खबर रीवा जिले से आ रही है, जहां नईगढ़ी पुलिस ने अवैध शराब बिक्री करने वाले दो आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए भारी मात्रा में शराब जब्त कर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की है। थाना प्रभारी नईगढ़ी जगदीश सिंह ठाकुर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर अपनी टीम के साथ ग्राम भलुहा में तालाब किनारे छुपा कर रखी अवैध शराब की बिक्री करने वाले आरोपियों के कब्जे से 54 लीटर देसी प्लेन मदिरा शराब जब्त कर धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की है। पकड़े गए आरोपियों में एक पुष्पेंद्र उर्फ अंशु कोल, पिता राजेश कोल उम्र 20 वर्ष निवासी नईगढ़ी, अभिषेक यादव पिता विजय यादव उम्र 21 वर्ष दोनों निवासी वार्ड क्रमांक 15 नईगढ़ी थाना नईगढ़ी के हैं। कोई कार्रवाई में जुटे हुए हैं, बेहतर कार्य चल रहा है। अभी कल कोई घटना घटी थी सर? जी हाँ, कल एक रात्रि घटना है। अपने यहाँ नईगढ़ी कस्बे के रहने वाले अभिषेक यादव और पुष्पेंद्र कोल, जो पिछले कई दिनों से जो है दारू की तस्करी का काम करते हैं और कई बार शिकायत मिल रही थी, कल दिनांक को भी इनकी शिकायत थी कि ये तस्करी कहीं लेकर आने वाले हैं, तो सूचना मुझे भी सूचना मिली कि ये जो है भनुआ तालाब के पास इनने कहीं दारू छिपा कर रखी हुई है। सूचना पर पुलिस के द्वारा जो है रेड कार्रवाई की गई। रेड कार्रवाई में इनके पास से जो है करीब 6 पेटी देसी मदिरा शराब मिली है, जिसे पुलिस द्वारा जब्त किया गया है और उसके खिलाफ जो है 34 दूरी कार्रवाई की गई है।